गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास आज का लेसन नंबर एट भारत की जलवायु वनस्पति और वन्य प्राणी छोटा ही चैप्टर है बच्चों अपना और आपका जाना पहचाना है ये क्योंकि हम इसका अनुभव करते हैं जैसे मौसम मौसम जो है बच्चों बदलता रहता है वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है ना इसे अभी मान लीजिए अपन कहें कि धूप निकली है फिर बाद में गर्मी हो जाएगी फिर कई बार बादल आ जाते हैं तो मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है कभी आसमान बादल आ गए कभी वर्षा हो गई ठीक है और कभी लंबे समय तक भी मौसम रहता है ऐसा एक समान तो कभी गर्मी भी लगती है कभी सर्दी भी लगती है तो ये जो चीज़ें हैं जिनमें हमें अलग अलग तरह का अनुभव होता है तो यहाँ पे देखिए अपना एक क्वेश्चन बन रहा है भारत में प्रमुख मौसम कौन से होते हैं ध्यान से सुनना ये अपना एक सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक सबको पता है बच्चों सर्दी पड़ती है तो ये ठंडा मौसम है मार्च में ठीक है और मई तक मार्च लेके मई तक गर्म मौसम है गर्मी का मौसम होता है जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम ये जो वर्षा का होता है और फिर अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का समय शरद ऋतु तो ये चार तरह के मौसम जो हैं भारत में पाई जाती है अपने एक क्वेश्चन का आंसर है शीत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो हैं सीधी नहीं पड़ती इसलिए उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है जबकि गर्मी में क्या होता है बच्चे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो दिन के समय बहुत गर्म और सूखी हवाएं जो चलती हैं इसको कहते हैं लू सब बच्चों ने अनुभव किया होगा गर्मी के ऋतु में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं इसको लू कहते हैं फिर आता है कि जब बारिश का समय तो दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का समय है अब यहाँ पे देखिए बच्चों अपना फिर एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि इस वर्षा के मौसम में जो पवने होती हैं ये अपने भारत के जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर है वहाँ से उठती हैं और ज़मीन की तरफ मतलब स्थल की ओर बहती हैं अब ये कहाँ से गुजर रही हैं समुद्र के ऊपर से तो ये अपने साथ क्या लेके आती है नमी आर्द्रता और जब स्थल भाग में आती है तो वहाँ पर ये जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा कर देती हैं तो यहाँ अपना एक विकल्प वाला क्वेश्चन है कि जो पवने हैं ये कहाँ से कहाँ तक बहती हैं जो नमी लाती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी रब सागर से स्थल की ओर बहती हैं मतलब समुद्र से लेकर के स्थल की ओर फिर आता है बच्चे मानसून के लौटने का समय एक तो वर्षा काल का समय फिर आता है मानसून के लौटने का समय इस समय पवने जो हैं वापस स्थलीय भाग से कहाँ लौटती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर ये लौटने का मौसम है और इस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है ये अपना फिर एक क्वेश्चन है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कब वर्षा होती है शरद ऋतु में या मानसून के लौटने के समय में ठीक है अब ये तो हो गया मौसम के बारे में जब ये मौसम की औसत दशा नापी जाती है लंबे समय तक एक समान बनी रहती है तो उसको कहते हैं जलवायु क्या कहते हैं मुझे जलवायु मतलब जलवायु बहुत लंबे समय तक एक साथ समय रहता है जबकि मौसम बदलता रहता है यहाँ फिर एक क्वेश्चन बनेगा अपना कि भारत की जलवायु जो है उसको क्या कहा गया है मानसूनी जलवायु और ये मानसून शब्द किससे ले गया अरबी भाषा के मौसम से जिसका अर्थ होता है मौसम तो यहाँ प्रश्न आता है कि भारत में कौन सी जल कौन सी पवनों से वर्षा होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है मतलब क्यों इससे क्या फ़ायदा होता है इस ऐसे क्वेश्चन है तो जब ये वर्षा होती है तो ये कब होती है उष्ण कटिबंध में उष्ण कटिबंध में जो मतलब गर्मी गर्मी का जो जहाँ विश्वत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास तो यहाँ पे जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो वर्षा भी बहुत तेज़ होती है क्योंकि तेज़ गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी जो है नदियों का पानी वाष्पीकरण होता है इसका जाग जाके बादल बनते हैं और फिर वर्षा किससे होती है मानसूनी पवनों से तो इसका जो सेकंड पार्ट इसमें आएगा कि भारत में कृषि जो है किस किसपे निर्भर है वर्षा पर और अच्छा मानसून आता है तो क्या होती है अच्छी वर्षा होती है और इससे क्या होता है फसलों का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है ठीक है फिर आता है बच्चों अपना कि अपने देश में कहीं कहीं तो बहुत तेज़ वर्षा होती है जैसे कि अपने मौसम राम में जो जगह है वहाँ पर और कहीं कहीं जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है होती ही नहीं है तो ये अपने यहाँ स्थितियाँ बनी रहती है कि देश के एक, एक हिस्से में तो तेज़ बारिश हो रही है और कहीं पर बारिश नहीं भी हो रही है तो ये स्थितियाँ बनी रहती हैं तो ये किसी क्षेत्र के स्थिति पर निर्भर करती है पहाड़ों से जो है दूरी कितनी है ऊंचाई कितनी है समुद्र से दूरी कितनी है इसके आधार पर वर्षा का जो है असर दिखाई देता है <coughs> फिर आता है बच्चों प्राकृतिक वनस्पति यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है अपना प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं आपने आसपास बहुत सारे पौधे देखे होंगे झाड़ियाँ देखी होंगी लंबे वृक्ष देखे होंगे बड़े वृक्ष जैसे नीम का पेड़ होता है आपने देखा होगा आम का पेड़ होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं वृक्ष जिसमें पत्ते भी कम होते हैं तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति कैसे कहते हैं तो घास झाड़ियाँ पौधे जो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं बिना मनुष्य के सहायता के उसको कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति और भारत में बच्चों जलवायु अलग अलग है इसलिए वहाँ पर अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं तो ये जो वन होते हैं वन में क्या होते हैं बच्चे बड़े बड़े वृक्ष भी होते हैं झाड़ियाँ भी होती हैं ठीक है और पौधे भी होते हैं तो वन हमें क्यों आवश्यक हैं क्योंकि वन क्या करते हैं यहाँ पे देखिए अपने वनों से लाभ आ जाते हैं क्योंकि पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं ऑक्सीजन है ना और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में छोड़ते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं फिर पेड़ पौधे क्या करते हैं मिट्टी को बांध के रखते हैं इससे कहते हैं मिट्टी बहती नहीं है और बहती नहीं तो इससे क्या होता है कि बाढ़ बाढ़ के समय ये पेड़ पौधे बचाव करते हैं वनों से और क्या मिलता है ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है ठीक है चारा मिलता है जड़ी बूटियाँ लाख शहद गोंद बहुत सारी अन्य भी प्रकार की जो चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त होती और वन सबसे बड़ी बात है जो जीव जंतु होते हैं ना वन्य जीव उनके ये निवास स्थान मतलब इनके वहाँ पर घर होते हैं पर अब क्या हो रहा है कि पेड़ों की जो कटाई हो रही है मनुष्य पेड़ों के काट देता है इससे वनस्पतियाँ क्या हो रही है समाप्त हो रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका आ रहा है वन्य जीवों का क्योंकि उनके घर तो बचे ही नहीं है तब सरकार क्या कर रही है वृक्षारोपण कार्यक्रम करती है कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए और जो पेड़ हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि पृथ्वी को हम क्या कर सकते हैं हरा भरा कर सकते हैं फिर वन्य प्राणी जो हैं ये आवास तो हैं ही किसके विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जो है वो कहाँ रहते हैं पेड़ों पर रहते हैं ज़मीन पर भी रहते हैं कई प्रकार के हजारों प्रजातियां हैं शरीर सिर पहने रेंगने वाले जो हैं पक्षी भी हैं स्तनधारी भी हैं छोटे छोटे कीट भी हैं आप इस चित्र में भी देख रहे हो आप इस तरह से वनों से क्या क्या मिलता है हमको देखिए दवाइयाँ हैं चारा ईंधन खेल का सामान फर्नीचर मतलब जो लकड़ी बहन मिलती है उससे हम ये चीज़ें बनाते हैं मिट्टी को बांध के रखती है इमारती लकड़ी है रबर है वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है लाख फल शायद सारे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है तो बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है सबको पता है और कहीं समय पाया जाता है फिर बच्चे यहाँ एक क्वेश्चन और बन रहा है अपना खालिस्तान का गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है कौन से वन में गिर वन में इसके अलावा असम के जंगलों में हाथी भी मिलेंगे और एक सिंग वाले जो गेंडे होते हैं वो भी मिलते हैं हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं ऊँट रेगिस्तान में है और एक जंगली गधा होता है वो भी कच्छ के रन में गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है फिर एक अपना खालिस्तान आ रहा है बच्चों जंगली बकरी हिम तेंदुआ भालू <coughs> ये निकाँ मिलते हैं ये हिमालय के क्षेत्र में मिलते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं बंदर है सियार है भेड़िया है नीलगाय चीतल मतलब आप ये देखो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ वनों की भी वनस्पतियों की भी और वन्य जीवों की अपने देश में पाई जाती अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बच्चों मोर बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जहाँ पे पक्षियों को प्राकृतिक आवाज़ दिया जाता है ताकि उनकी कोई शिकार करके हत्या ना कर सके ठीक है और उद्यान जो है वो शिकारियों से इनकी रक्षा करते सांप भी बहुत सारे पाए जाते हैं आपने एक दो नाम सुने होंगे कोबरा करे तो ये बहुत ख़तरनाक सांप होते हैं इनके काटने से ही जो है जहर तेजी से फैलता है बहुत जहरीले होते हैं और वनों को जो काटा जा रहा है जानवरों का शिकार किया जा रहा है तो ये सब क्या हो रहा है बच्चों धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं आप इनके घर छीन लेंगे तो क्या करेंगे बेचारे तो कई आपने देखा होगा कई वन्यजीव घरों में आ जाते हैं जो वहाँ पे जंगलों के आसपास लोगों के घर होते हैं तो क्योंकि आप उनके घर काट लोगे छोड़ दोगे वहाँ पर उनको तो कहाँ आएंगे फिर वो तो इसके लिए अब सरकार क्या कर रही है बचाने के लिए कई नेशनल पार्क है पशु विहार है आरक्षण क्षेत्र जो है वो इनको वहाँ पर रख रही है बाघ परियोजना भी है इसके अलावा हाथियों के लिए परियोजना बनाई जा रही है गेंदाई के रोग के लिए क्योंकि इन सब का क्या हो जाता है बच्चे शिकार कर लेते हैं शिकारी तो इनको बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो वहां अपन आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर वाले पोश्चन में जो मैंने आपको साथ के साथ समझाती गई हूँ अभी भी देख लो कौन सी पवने भारत में वर्षा लाती हैं मानसूनी पवने लाती हैं क्यों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वर्षा जब आती है तो इससे फसल प्रचुर मात्रा में होती है भूमि उपजाऊ होती है और जिससे बहुत ज़्यादा खेती में फ़ायदा भी होता है विभिन्न मौसमों के नाम देखे थे ने दिसंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम मार्च से मई तक गर्मी का मौसम फिर जून से लेकर सितंबर तक वर्षा का मौसम फिर अक्टूबर नवंबर में वापस लौटने का जो मौसम है वर्षा का जिसको शरद ऋतु कहते हैं वो यहाँ पर है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं ये जो अपने आप वृक्ष पेड़ जोते जो हैं घास हैं लताएं हैं पौधे अपने आप जो पैदा हो जाते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं सही विकल्प में चिन्ह लगाना है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है मौसम राम जंगली बकरी हिमदित्य तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आद्र पवन कहाँ बहती है समुद्र से स्थल की ओर फिर खालिस्तान गर्मी के दिनों में शुष्क गर्म हवाएं चलती उन्हें क्या कहते हैं लू आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में कौन से मौसम में शरद ऋतु में या मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है